मॉर्निंग स्टूडेंट्स आइए आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश क्लास सिक्स सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर फाइव तानसेन तो आइए शुरू करते हैं तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ इज पेरेंट्स नॉट ई ब टैलेंटेड ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली वंस ही ट्राई टू फ्राइटेन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर तो ये अभी आगे पढ़ने वाली कहानी का एक जिस्ट है सो लेट स्टार्ट इन डिटेल यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन बच्चों आपने तानसेन का तो नाम सुना ही होगा द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड हमारी जो कंट्री ने हमारे देश भारत ने एक बहुत महान म्यूजिशियन को जन्म दिया उनका नाम तानसेन था अंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहाट नियर ग्वालियर ग्वालियर के पास बेहट गांव में एक मिस्टर मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ रहते थे वो एक सिंगर थे तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड तानसेन उनका इकलौता बच्चा था इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नोटी चाइल्ड ऐसा कहा जाता है कि वो एक शैतान बच्चा था ऑफन ही रान अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सोन लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स वो अक्सर जंगल में खेलने चले जाते थे और उन्होंने पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें निकालना सीख ली थी परफेक्टली वो आवाज़ें निकालते थे A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार क्या हुआ कि Swami Haridas एक famous singer थे, वो यात्रा कर रहे थे उस जंगल के थ्रू जा रहे थे अपने चेलों के साथ. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तो छायादार जगह देखकर वो जो ग्रुप थका हुआ था, वो वहाँ पर बैठ गए रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए. Saw them. ने उनको देखा स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेट टू हिमसेल्फ उसने अपने आप को कहा कि अजनबी लोग जंगल में इट विल भी फन टू फ्राइट एन दैम तो इनको डराने में बहुत मजा आएगा ही हिट बिहाइंड ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और एक टाइगर की तरह आवाज निकालता है द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स कैटर इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल दैम टुगेदर वो जो ग्रुप था ट्रेवलर्स का जो स्वामी हरिदास जी के साथ थे तो वो क्या हो गए डर के मारे तितर बितर हो गए सब इधर उधर भाग गए लेकिन स्वामी हरिदास ने क्या किया उन सबको एक साथ बुलाया डोंट बी अफ्रेड उन्होंने क्या कहा डरो मत टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते लेटेस्ट लुक फॉर दिस वन आइए इस टाइगर को देखते हैं सडनली वन ऑफ हिस मैं स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ट्री अब अचानक से उन जो ग्रुप में एक आदमी था उन्होंने देखा कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है देर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर उन्होंने कहा यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है ओनली दिस नाट बॉय बस एक शरारती बच्चा है स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम लेकिन स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया उसे सजा नहीं दी ही वेन टू तानसेन फॉदर एंड सैड वो तानसेन के पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा योर सन इज़ वेरी नॉटी आपका बेटा जो है बहुत शैतान है इज़ वेरी टैलेंटेड लेकिन वो बहुत टैलेंटेड भी है आई थिंक आई कैन मेक हेमा गुड सिंगर मुझे लगता है मैं इसको बहुत अच्छा एक गायक बना सकता हूँ तानसेन वॉज टेन ईयर्स ओल्ड वेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास जब स्वामी हरिदास के साथ तानसेन चले गए तो जब उनकी आयु दस वर्ष थी He lived with him for eleven years और वो उनके साथ ग्यारह साल तक रहे Learning music and became a great singer और उन्होंने वहाँ उनके साथ संगीत सीखा और एक बहुत बड़े गायक बने At about this time his parents died और इस समय तक उनके जो पेरेंट्स थे वो भी मर चुके थे Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Mohammad मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर और मुकंदन मिश्रा जी जो थे जो उनके पिताजी थे तानसेन के जब वो मर रहे थे तो उन्होंने उनकी जो आखिरी विश थी तो वो ये थी कि तानसेन को एक बार मोहम्मद गौस जो ग्वालियर में है उनके पास विजिट करना चाहिए जाना चाहिए मोहम्मद गौस वाज द होली मैन मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू तो हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम जो मुकंदन मिश्रा थे वह मोहम्मद गौस के पास अक्सर जाया करते थे वो उनके भक्त थे और मोहम्मद गौस एक होली मैन थे वाइल्ड लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस तानसेन वज ऑफ़न टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगन अब जब वो ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद गौस के पास जो तानसेन को अक्सर वो एक दरबार में ले जाते थे रानी मृगनैनी के दरबार में हु वॉज़ अ ग्रेट म्यूजिशन हर सेल्फ और जो वो खुद भी एक बहान म्यूज़िशन थी देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट और वहाँ पर उन्होंने जो कोर्ट में लेडीज़ थी उनमें से एक से शादी कर ली हर नेम वाज़ हुसैनी और जिनसे उन्होंने शादी की उनका नाम था हुसैनी हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल और हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की एक शिष्य थी तानसेन एंड हुसैनी हैड फाइव चिल्ड्रन हु तानसेन और हुसैनी के जो बच्चे हुए पांच बच्चे हुए और वो सभी गायक बने तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस अब तानसेन इस समय तक बहुत मशहूर हो चुके थे समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्प्रर अकबर हु वॉज सो इम्प्रेस बाय हिम दैट ही इंसिसट तानसेन शुड ज्वाइन द हिज कोर्ट कभी कभी उन्होंने महान अकबर राजा अकबर के सामने भी कई बार गाना गाया जो अकबर जो थे वो बहुत उनसे इम्प्रेस हुए और उन्होंने उन पर जोर डाला तानसेन पे कि वो उनका कोर्ट में ज्वाइन करें तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556. फिफ्टी पंद्रह सौ छप्पन में तानसेन जो हैं अकबर के कोर्ट में चले गए एंड सोन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्प्रर और बहुत ही जल्द वो उनके बहुत फेवरेट बन गए अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट अकबर जब भी चाहते वो जब भी तानसेन को गाना गाने के लिए बुला लेते चाहे दिन हो या रात क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस टू हीयर हिम प्रैक्टिस कभी कभी वो उसके घर भी चले जाते थे तानसेन के जब भी कभी वो रिहर्सल कर रहे होते थे ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रजेंट्स और अकबर ने उनको बहुत सारे तोहफे भी दिए थे सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जैल्स ऑफ तानसेन और कुछ जो दरबारी थे राजा अकबर के वो उनसे तानसेन से जलने भी लगे थे वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूंट तो उन्होंने कहा कि जब तक तानसेन तबाह नहीं हो जाता तब तक हम रेस्ट नहीं कर सकते हैं दे डिक्लेयरड उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया अब उनमें से जो एक दरबारी था शौकत मियाँ उनको एक आइडिया आया लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड अब उन्होंने कहा कि हम उसको तानसेन को राग दीपक बोल गाने के लिए कहते हैं हाउ विल दैट हेल्प अनदर मैन अब दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एश अगर ये अच्छे से गाया जाए राग दीपक तो ये हवा में इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि जो सिंगर है वो खुद भी जल जाता है और राख बन जाता है तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर तानसेन एक बहुत अच्छा गायक है इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रेड ऑफ हिम अगर तानसेन जो ये राग दीपक गाएंगे तो वो मर जाएंगे और हमारा भी हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा शौकत मियाँ वैन टू अकबर एंड सैड शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर हम समझते हैं, हम नहीं ऐसा सोचते कि तानसेन एक बहुत बड़ा सिंगर है लेट लेटेस्ट टेस्ट हिम आइए उसका टेस्ट लेते हैं टेल हिम टू सिंग राग दीपक उनको कहिए कि वो राग दीपक गाएं ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली जो महान सिंगर हैं वो ही इसको बहुत अच्छे से गा सकते हैं ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट कि हाँ बेशक वो ये गा सकते हैं तानसेन कैन सिंग एनी थिंग तानसेन कुछ भी गा सकते हैं अकबर सेड अकबर ने ऐसा कहा तानसेन वॉज ए फ्रेड बट कुड नॉट डिस ओबे द किंग तानसेन डर गए थे लेकिन वो आ, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड उस उन्होंने कहा तानसेन ने ठीक है मेरे मालिक ठीक है बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए अपने आप को तैयार करने का तानसेन वेंट होम तानसेन घर चले गए ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी अब इससे पहले वो कभी इतने उदास नहीं हुए आई कैन सिंग द राग मैं रागा गा सकता हूँ ही टोल्ड हिज वाइफ अपनी वाइफ को उन्होंने कहा बट द हीट इट गिफ्ट ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट इट विल ऑल्सो बर्न मे टू एशेज सिर्फ जो जो मैं राग दीपक गाऊंगा ये सिर्फ हीट ही पैदा नहीं करेगा ये लैम्पस ही नहीं जला सकता बल्कि ये मुझे भी जला देगा और ऐशेज बना देगा मुझे राग तक बना सकता है देन ही हैड एन आइडिया तब उनके पास एक आइडिया आया इफ सम मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन अगर सेम उसी समय में अगर कोई राग मेघ गाए और बहुत अच्छे से गाए तो इससे क्या होगा बारिश हो सकती है पर एप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कूड डू इट ही सेट अब तानसेन ने क्या कहा कि शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और उनकी जो फ्रेंड है रूपवती वो दोनों अगर मिलकर मेघ राग मेघ को गाएं तो ये हो सकता है ही थॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ ही टॉट उन्होंने दोनों लड़कियों को राग में एक सिखाया दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर टू वीक्स अब दो हफ्तों तक उन्होंने रात दिन बहुत प्रैक्टिस किया इसका अभ्यास किया तान से टोल दैम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग उन्होंने कहा कि जब तक आपको इंतज़ार करना है जब तक लैम्प्स न जल जाएं, और जैसे लैम्प जलेंगे तो एकदम आपको गाना गाना शुरू करना है द लीजेंड गोस दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक अब जो लीजेंड थे महान ये तानसेन जी थे इन्होंने एक दिन को अपॉइंट किया और फिर पूरा जो टाउन था वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए सब दरबार में तानसेन को गाते हुए देखने के लिए राग दीपक वैन ही बिगिन टू सिंग द एयर बिकेम वार्म जब जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया तो जो हवा थी वहाँ की बहुत गर्म हो गई सोन पीपल इन द ऑडियंस वर बाट इन परसपरेशन थोड़ी ही देर में जो वहाँ की ऑडियंस थी वो सब नहा चुकी थी बाट इन परसिपरेशन परसिपरेशन होता है बच्चों पसीना जैसे कोई गर्मी की वजह से पसीने पसीने तरबतर हो जाता है ना उस तरह से द लीव ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड और जो पेड़ों पर जो पत्ते थे वो सूख गए थे और नीचे गिरना शुरू हो गए थे ग्राउंड पे एज द म्यूजिक कंटिन्यूड जैसे जैसे म्यूजिक आगे आगे बढ़ता रहा बर्ड्स फेल डेड और जो पक्षी थे वो भी मरना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ द हीट गर्मी की वजह से एंड द वॉटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉय और जो नदियों में पानी था वो उबलना शुरू हो गया

एट वंस सरस्वती एंड रूपवती विघिंटो सिंह राग मेघ और उसी समय सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ को गाना शुरू किया द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड रेन केम डाउन और बादल हो गए ऊपर और बारिश आना शुरू हो गई तानसेन वो वॉज और तानसेन इस तरीके से बच गए द स्टोरी गोज़ दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस इसके बाद की कहानी ये है कि उसके बाद वो बहुत बीमार हो गए एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग और अकबर को भी शर्मिंदा थोड़ा सॉरी फील हुआ कि उनकी वजह से उनको बहुत सहना पड़ा ही पनिश तानसेन एनिमस तो उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको पनिश किया वैन तानसेन गोट वेल द एंटायर सिटी रिजॉयज़ और फिर जब तानसेन जी ठीक हो गए तो पूरे शहर ने खुशियाँ मनाई। रिजॉय मीन्स खुशियाँ तानसेन रिमेंड कोर्ट्स अकबर कोर्ट सिंगर टिल फिफ्टीन एटी फाइव वन ही डाइड और तानसेन जकबर के कोर्ट में सिंगर रहे 1585 तक जब तक उनकी डेथ नहीं हुई ही कंपोज सेवरल न्यू रागास और उन्होंने बहुत सारे रागास को कंपोज किया तानसेन टोम इज इन ग्वालियर तानसेन की जो टॉम है उनकी जो वो ग्वालियर में है इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन और जो म्यूजिशियन है उनके लिए एक तीर्थ स्थान है तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू Thank you very much for watching.